और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ष 1863 में आज ही के दिन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। इस संस्था का मकसद था युद्ध से प्रभावित सैनिकों और लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना। इस संस्था को 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिनेवा में सिर्फ 5 लोगों के साथ शुरू हुई यह संस्था आज दुनिया के करीब 80 देशों में विस्थापितों और सैनिकों तक राहत पहुंचा रही है और दुनिया भर में इसके 9,70,00,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। किसी डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है स्टेथोस्कोप, और वर्ष 1781 में आज ही के दिन स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाले डॉक्टर रेने लेनिक का जन्म हुआ था। उन्होंने वर्ष 1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। उससे पहले डॉक्टर्स मरीजों की छाती पर कान लगाकर उनकी धड़कन सुनते थे। दुनिया के पहले वेदर सैटेलाइट यानी मौसम उपग्रह को आज ही के दिन वर्ष 1959 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था। इसका नाम था वैनगार्ड 2। इस सैटेलाइट को पृथ्वी के बादलों की परत की जानकारी देने के लिए लाइट सेंसिटिव सेल्स के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन वैनगार्ड 2 किसी भी जानकारी को वापस नहीं भेज पाया, जिसके बाद 1959 में ही एक्सप्लोरर 6 नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया, जिसने किसी उपग्रह से धरती की पहली तस्वीर भेजी थी। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले शुरुआती क्रांतिकारियों में से एक वासुदेव बलवंत फड़के का निधन आज ही के दिन वर्ष 1883 में हुआ था। फड़के ने सूखे की मार से परेशान किसानों की मदद के लिए ब्रिटिश सरकार से उनके कई खजाने लूट लिए थे। फड़के ने कुछ दिनों के लिए पूरे पुणे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में आ गए थे। 1879 में अंग्रेज सरकार ने फड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके बाद 1883 में उनका निधन हो गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की पूरी कोशिश कीजिए। प्रदूषण के खिलाफ कोई भी सरकार या सिस्टम अकेले नहीं लड़ सकता, इसके लिए आम लोगों को अपने हिस्से का योगदान देना पड़ता है। देश को आपसे भी ऐसे ही सकारात्मक योगदान की उम्मीद है। नमस्कार।